हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल बात करने जा रहे हैं हालांकि केमिकल टेस्ट मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था पूरा डिटेल में, में कंप्लीट कर दिया था बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको उसका एक एक अल्टीमेट सुपर ट्रिक दूँ जिससे कि जितने भी फॉर्मूले थे वो सब आप तुरंत का तुरंत याद कर लो हालाँकि आपने याद भी कर लिया होगा मैंने बहुत डिटेल में केमिकल टेस्ट डिस्कस किया है फिर भी टूडे द सुपर ट्रिक फॉर क्वानिटेट ऑर्गेनिक को यूज uh, करने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या बस आपको की बात करनी है अगर तो मोलर मासन होना चाहिए एक्चुअली में बस तो वहां से हमारा सारा काम हो जाएगा है ना तो मोलर मास के लिए काम करते हैं लिख लेते हैं जैसे कि सपोज अगर हम मोलर मास की बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है वन ठीक है देखते जाना कार्बन कार्बन का ट्वेल्व होता है कार्बनोजन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव होता है कितना होता है एट्टी होता है आयोडिन आयोडिन कितना होता है वन ट्वेंटी सेवन होता है ठीक है देन फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस आपका कितना होता है थर्टी वन होता है ठीक है सल्फर की बात करें तो इस तरह से आपको सारा याद करना है सल्फर सल्फर की, तो की, तो की, तो की, तो की बात करें अगर तो सल्फर कितना थर्टी टू होता है ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना सिक्सटीन होता है मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कितना होता है ट्वेंटी फोर होता है मॉलीबिटिनम की बात करें अगर तो मॉलीबिटिनम नाइन्टी सिक्स होता है मॉलीबिटिनम की बात करें अगर हम तो मॉलीबिटिनम का कितना होता है नाइन्टी सिक्स होता है एक्चुअली में ठीक है नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितना होता है फोर्टीन होता है एक्चुअली में ठीक है तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका मोलर मास आपके सामने है actually, है एक्चुअली में ना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फास्फोरस सल्फर ऑक्सीजन मैग्नीशियम मोलिबिटनियम नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन एक्चुअली ठीक है सिल्वर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का कितना होता है वन जीरो बेरियम बेरियम की बात अगर हम करें तो ये वन थर्टी सेवन होता है बेरियम का कितना होता है वन थर्टी सेवन होता है ठीक है तो कुछ इस तरह से सल्फर वगैरह ये आ गया अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिनका मोलर मास को याद होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या हैं है ना उनके बाद भी हम लोग करते हैं एक्चुअली में चलो है ना तो ये शॉर्ट मैं इधर लिख दूंगा एंड उसके बाद आपको जैसे सबसे पहले अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर कितना होता है बेटा एटीन होता है सी टू की बात करें तो सीओ टू कितना होता है फोर्टी फोर होता है राइट right? नाइट्रोजन की बात करें एन टू तो एन टू कितना होता है ट्वेंटी तो एट होता है एन टू एन टू की बात करें तो कितना ट्वेंटी एट होता है अमोनिया की बात करें अमोनिया तो कितना होता है सेवनटीन मतलब ये मोलर मास आपको ये आपको ये, भाई देखो ये तो सिंपल सी चीज चीजें बताइए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिनका की मोलर मास आपको याद होना ही चाहिए एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दीज कंपाउंड एक्चुअली पता ही आपको है ना तो चुकी ट्रिक की बात करें तो पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो अमोनिया अमोनिया की बात करें तो कितना होता है सेवनीन होता है राइट right? ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर एजीसीएल की तो एजीसीएल का होता है वन जीरो एट एजीसीएल अगर हम यहां पर बात करें एजीबीआर की तो एजीबीआर का जो होता है वन एटी एट होता है ऐसे हम बात करें यहां पर एजीआई की अगर तो एजीआई का होता है 235 एजीआई ऐसे हम बात करें अगर यहां पर बेरियम सल्फेट का तो बेरियम सल्फेट का जो होता है वो होता है 233 राइट right? ऐसे हम बात करें अमोनियम अमोनियम फॉस्फो मोलिबिडेट की तो इसका जो होता है 1877 होता है 1877 ऐसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट की Mg2 टू ओ सेवन इसका जो मोलर मास होता है वो ट्रिपल टू होता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनका मोलर मास आपको ये निकाल लेना है उसी टाइम पे जैसे कि अगर आपको इलेवेंट का पता है तो आप मोलर मास कैसे निकालते हो आप सबको बहुत अच्छे से पता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है बट मैंने लिख दिया यहां पर जो हमें जरूरत पड़ेगी उसके बेसिस पे हम उसका यूज करते चले जाएंगे एक्चुअली में ठीक है तो इस तरह से हम यहां पर बात करेंगे अब ट्रिक की बात करेंगे तो अब ट्रिक पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें पर्टिकुलर उस ट्रिक का यूज करके हम वो सारे यूज करें मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुले बताऊंगा उसी के बेसिस पे मैं सारे फॉर्मले आपको अभी निकाल के दिखाने जा रहा हूं ठीक है उसी के बेसिस पे सारे के सारे के मैं आपको निकाल के अभी दिखाने जा रहा हूं ठीक है जैसे कि अब हमें क्या करना है सबसे पहले मैं आपको वीके एस टी बताता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स की बात हमें करनी है एक्चुअली में कौन कौन से एलिमेंट्स की बात हमें करनी है जिसके थ्रो हमें जिसके हमें सारे फॉर्मले याद रखने हैं एक्चुअली में तो देखो क्या है सेंटेंस है हाइड हाइड कार फ्रॉम हाइट कार फ्रॉम हाई स्पीड पर्सन हाइट कार फ्रॉम हाई स्पीड पर्सन हाइट नाउ हाइट कार फ्रॉम हाई स्पीड पर्सन नाउ तो हाइट हाइट मीन्स आपका आ गया हाइड्रोजन हाइट मीन्स आपका क्या आ गया हाइड्रोजन एच की बात कर रहा हूं कार मीन्स आपका आ गया कार्बन कार्बन सी की बात हो रही है फ्रॉम कट कर दो हाई High में से आपका आ गया हाइलोजन 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 मीन्स क्या लाइक uh, एक्स like, uh, ठीक है स्पीड की बात करें तो आ गया सल्फर एस से एस एस एच पी एन कार हाई हाइड्रोजन ठीक है तो हाइट हाइड कार फ्रॉम हाई स्पीड पर्सन नाउ हाइड कार फ्रॉम हाई स्पीड पर्सन नाउ तो देखो हाइड हाइड्रोजन कार कार्बन फ्रॉम कट करो हाई हाई जन स्पीड सल्फर सल्फर की बात हो गई यहां पर्सन, फास्फोरस क्या क्या करना है पहले आपको यही समझ लेना है फास्फोरस पी एंड नाउ में से नाइट्रोजन नाउ में से क्या आ गया नाइट्रोजन एक्चुअली ठीक है अब यहां पर जरा देखो हाइड्रोजन आ जा रहा है देखो हाइड्रोजन हाई कार्बन अब हाइड्रोजन में से क्या क्या आएगा जरा चेक कर लो हाइलोजन में से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आ जा जाएगा सल्फर सल्फर है फास्फोरस फास्फोरस है नाइट्रोजन एन एन है तो बेसिकली देखो ये आ गया ध्यान दो तरीका समझो हमें क्या बताने जा रहे हैं आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तीनों आगे हाइलोजन से फिर सल्फर है ही ऑलरेडी फास्फोरस है नाइट्रोजन है और ये वाला पार्ट है आपके सामने एंड हाइड्रोजन है और क्या है कार्बन है तो अब चलो चेक करो हाइड कार फ्रॉम हाई स्पीड पर्सन नाउ तो हाइड हाइड्रोजन कार कार्बन फ्रॉम हाई हाइड्रोजन हाइलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्पीड सल्फर पर्सन फॉस्फोरस नाउ नाइट्रोजन ठीक है अब यहां पे देखो आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है कि जब हम हाइड्रोजन करेंगे जब हम कार्बन का स्टीमेशन करेंगे, करेंगे तो हम यूजिंग सी टू करेंगे तो कंपाउंडस हैं जिनके बेसिस पे हम स्टीमेशन करेंगे ये कंपाउंड है जिनके बेसिस पे हम इस्टिमेशन करेंगे परसेंटेज इस्टिमेशन करेंगे राइट तो अब कार्बन हाइड्रोजन के वाटर के फॉर्म में हाइड्रोजन को हम वाटर के फॉर्म में करेंगे कार्बन को हम सीटो के फॉर्म में करेंगे सीएल को हम एजीसीएल के फॉर्म में करेंगे बी को हम एजी बी के फॉर्म में करेंगे को हम एजीआई के फॉर्म में करेंगे सल्फर को हम बेरियम सल्फेट बी के फॉर्म में करेंगे और जो फॉस्फोरस है इसको में हम दो कम दो तरह नाइट्रोजन को मैं थोड़ा इधर ले रहा हूं नाइट्रोजन

और दूसरा हम बात करते हैं इसका एमजी टू सेवन के फॉर्म में एमजी टू सेवन नाइट्रोजन की अगर हम बात करें नाइट्रोजन एन की बात अगर हम करें नाइट्रोजन नाइट्रोजन था नाइट्रोजन को हमने एन बोला था अब एन की बात करें तो हम इसका स्ट्रेशन दो तरह से करते हैं एक हम एन टू के फॉर्म में करते हैं और एक हम एन एस थ्री के फॉर्म में करते हैं जब हम एन टू के फॉर्म में करते हैं तो देखो मेथड्स वगैरह का नाम भी मैं लिख दूंगा अभी ठीक है Uh, कहां, कहां से कौन कौन सा क्या क्या मेथड यूज होता है uh, ये जो पहले दो मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम बोलते हैं लेबिक्स मेथड, लेबिक्स मेथड, जिसका और यहां से यहां तक का जो मेथड है इसको हम बोलते हैं केरियस मेथड, केरियस मेथड, और इसको हम बोलते हैं ड्यूमा मेथड, ड्यूमस मेथड और ये जो होता है केल या जेलडोल मेथड, जेल सारा सुपर ट्रिक आप देखो जरा सा, अल्टीमेट सुपर ट्रिक आप मस्त वाला सुपर ट्रिक देखो जरा सा आप, ठीक है एक एक करके मैं आपको सब दिखाता चला जाऊंगा ओके तो कुछ ये इस तरह से आया, ठीक है क्लियर बेटा यहां तक अब एक काम और कर लेते हैं सभी का मोलर मास लिख लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं फटाफट खत्म करेंगे तो देखो ये जो मोलर मास है आ, आ, वाटर का मैंने लिख रखा है सब सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो अटकमट करके लिखो ठीक है तो वाटर का होगा 18 CO2 का होगा 44 एजीसीएल का होगा आपका कितना 143.5 एजीबीआर का आपका होगा 188 एजीआई का होगा आपका आ, 235 बेरियम सल्फेट का होगा 233 233 अभी आप देखो कैसे हम काम करने वाले हैं अमोनियम मोलिब्डेट का जो होता है 1877 होगा एमजी टू पी टू सेवन का ट्रिपल टू होगा नाइट्रोजन का जो होगा वो ट्वेंटी एट होगा अमोनिया का जो होगा वो सेवनटीन होगा तो ये सब मैंने मोलर मास लिख लिया है ये सारे कंपाउंड्स के मोलर मास है एक्चुअली क्लियर तो मोलर मास हो गया और ये हो गया अब हम क्या करेंगे जो परसेंटेज इस्टीमेशन की बात करेंगे ध्यान देना बेटा अब हम जो परसेंटेज इस्टीमेशन ये सब मैं लिखा रह दूंगा बस ये जितना जगह बच रहा है यहां पे अब देख लो यहीं पर मैं आपको एक एक फॉर्मूला निकाल के दिखाता चला जाऊंगा ठीक है एक बार चेक कर लो ये लाइन कट तो नहीं रही है यस नहीं बिल्कुल नहीं ओके तो नीचे तक आएगा चलो ठीक है अब देखो क्या है कि अब सारा मैथक्स का नाम बता दिया ये आप पहले सबसे पहले ये याद करो याद हो गया ना हाइट कार फ्रॉम हाई स्पीड पर्सन हाइड हाइड्रोजन कार कार्बन अब हाई हाई, 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 हाई मीन्स हाइलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्पीड सल्फर पर्सन फॉस्फोरस एन न नाइट्रोजन नाइट्रोजन अब इसके बाद फिर देखो हाइलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ गया सल्फर फॉस्फोरस में दो आएंगे अमोनियम अमोनियम फॉस्फोमोलिबिड आएगा मैग्नीशियम uh, नाम सुन लो अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट एंड मैग्नीशियम इस और पायरो में एन टू और एल्डोल मेथड मेथड क्लोरीन से लेकर कहां तक फास्फोरस तक मेथड हाइड्रोजन कार्बन के लिए हम लोग लेबिक्स मेथड यूज करते हैं और ये डिमाज मेथड फॉर नाइट्रोजन एन टू के फॉर्म में और ये तो ये जो हैं, के बेसिस, पे, यहां पे कमपाँणस. कमपाँणस के बेसिस पे हम इन एलिमेंट्स का जो ऊपर एलिमेंट्स लिखे हैं इनका हम परसेंटेज निकालेंगे

इन टर्म्स ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास सो परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मास इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मुला सिंपल होगा इंडेक्स ऑफ एलिमेंट बेटा ये मेरा खुद का फॉर्मला बनाया हुआ है बता दे रहा हूं आपको

ओके नाउ सो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू क्या होगा इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट मोलर मास ऑफ एलिमेंट नॉट कंपाउंड ऑफ एलिमेंट यहां तक हो गया सो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट सो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट ध्यान रखो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू स्मॉल डब्ल्यू बाय कैपिटल डब्ल्यू इन टू हंड्रेड पहला पार्ट है परसेंटेज इन द ऑफ मास की बात कर रहा फॉर्मुला दिस इज द सिंगल फॉर्मूला और इसी सिंगल फॉर्मुले से मैं सभी का परसेंटेज मास के टर्म्स में आपको निकाल के दिखा दूंगा मास के टर्म्स में इसी के बेसिस पे मैं सभी का फॉर्मूला मास के टर्म्स में निकाल के दिखाने जा रहा हूं सो आप इसको एकदम लर्न कर लो ये फॉर्मूला आपको तो सिर्फ एक ये फॉर्मुला सिर्फ एक ये फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मुला यू कैन राइट द परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट हियर एक्चुअली और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम इतने ही एलिमेंट्स की बात करते हैं आप चेक करके देख लो हाँ। मैंने केमिकल डिस्मिन में नहीं सब डिटेल में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक सुपर ट्रिक भी डाला जाए भाई तो मैं सुपर ट्रिक डालने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर इंडेक्स ऑफ एलिमेंट 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 ये एलिमेंट्स मोलर मास ऑफ एलिमेंट मीन कौन से एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स मोलर मास ऑफ कंपाउंड मीनस कौन से कंपाउंड का मोलर मास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं ये जो कंपाउंड एंड दिस स्मॉल डब्ल्यू इज मास ऑफ कंपाउंड मास ऑफ कंपाउंड कौन सा कंपाउंड ये कंपाउंड जो कंपाउंड यहां पर लिखे हुए इनका मास समझ लो ये जो कंपाउंड इनका मास एंड दिस कैपिटल डब्लू इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये फॉर्मूला आपके सामने है

इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इनका इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है जो एलिमेंट के आगे लिखा होता है किसी भी फॉर्मले में लाइक जैसे मैं बताऊं यहां पे हाइड्रोजन का इंडेक्स हाइड्रोजन का कितना लिखा टू तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इज टू इंडेक्स ऑफ कार्बन इज वन इंडेक्स ऑफ एजी इज वन इंडेक्स ऑफ सी इज वन समझ लो इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इज थ्री इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इज फोर इंडेक्स ऑफ इज वन तो ये इंडेक्स है जो भी एलिमेंट के सामने लिखा होता है वो उसका इंडेक्स होता है इंडेक्स ऑफ नाइट्रोजन इज टू इंडेक्स ऑफ एन इज वन तो जो भी कंपाउंड के आगे एलिमेंट होता है कंपाउंड के अंदर उसके आगे जो लिखा होता है दैट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट एक्चुअली ओके सो क्या स्टार्ट किया जाए तो क्या है इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू डब्ल्यू बाई डब्लू इंटू हंड्रेड से बोलो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट एलिमेंट की बात कर रहा हूं इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड कंपाउंड इंटू डब्लू बाइ डब्लू इंटू हंड्रेड वॉर स्मॉल डब्ल्यू मास ऑफ कंपाउंड These And what is w? Mass of चलो अब मैं हटा रहा हूँ इसको और यहीं पर लिखता चला जाऊंगा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यह हटा दे रहा हूं थोड़ा सा देखो जरा साहब कैसे पहले तो कार्बन लिया मैंने कार्बन लिया मैंने तुरंत कार्बन किस, form, के हम किस के पे करेंगे सीओ टू के बेसिस पे तो सीओ टू हाइड्रोजन लेते हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन लेते हैं सबसे पहले और देखते जाना फटाफट फड़, तेजी से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें बेटा तो हाइड्रोजन का एस्टिमेशन हम H2O के फॉर्म में करते हैं ठीक है और H2O का जो मोलर मास है कितना है 18 है ठीक है चलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मास के टर्म्स में बात कर रहा हूं पहले इन टर्म्स ऑफ मास

Into molar mass of element. Element पे कौन सा हाइड्रोजन मासन इंटू डब्लू हंड्रेडीन इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू हंड्रेड लो हो गया तुरंत है ना दिस इज सुपर ट्री एक्चुअली राइट यह हो गया हाइड्रोजन चलो आगे बात करें आगे बात करें अब कार्बन की

तो क्लोरीन क्लोरीन किस फॉर्म में AgCl के फॉर्म में तो ये कितना है आपका 35.5 और Ag बेटा कितना है 143.5 एक्चुअली AgCl इज 143.5 नाउ परसेंटेज ऑफ क्लोरीन चलो बताओ इंडेक्स ऑफ क्लोरीन बेटा इंडेक्स ऑफ क्लोरीन कितना है 1 क्लोरीन के आगे कर देखो कोई इंडेक्स है 1 मोलर मास ऑफ एलिमेंट सो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट 1 और मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 W w w w एक फॉर्मूला सीधे एक फॉर्मूला सारा फॉर्मुले से आप फटाफट फटाफट निकालते चले जाओ और ये ट्रिक याद रखो और देखो फिर कितना इंजॉय करो कितना मजा करोगे मजा आ जाएगी आपको चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं क्लोरीन के बाद ब्रोमिन की क्लोरिन के बाद करते हैं किसकी ब्रोमिन की तो ब्रोमीन की बात करें अगर हम तो ब्रोमिन का एस्टिमेशन हम किसके फॉर्म में करेंगे बेटा? एजीबीआर के फॉर्म में करेंगे ब्रोमीन 80 होगा और इसका 188 मोलर मास सारा सारा कुछ कुछ लिख दिया पहले पहले से ही. सारा कुछ आपके सामने है. पहले से ही। ही आपके सामने एक्चुअली में। बात क्लियर है? ठीक है? ठीक ऑफ ब्रोमिन इंडेक्स ऑफ ब्रोमिन Divided by 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 its smaller mass of compound 188 188 into 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 W by W W W 100. 100. So this This becomes 80 by 188 into w by w into 100. This is for bromine bromine percentage. Then किसकी आयोडिन तो जो बेटा आयोडिन निकलेगा वो किसके फॉर्म में बात करेंगे AgI के फॉर्म में आयोडिन जो होता है वो होता है लिखा है मैंने यहाँ पर कहीं देख लो चेक कर लो अगर नहीं लिखा है तो लिख देता हूँ आयोडीन इज 127. सेवन

127 235 W W 100 नहीं आ रही है तो इस तरह से आयोडीन हो गया आयोडीन की बात हो गई नेक्स्ट आते हैं सल्फर सल्फर का एस्टिमेशन हम बात करेंगे किसके फॉर्म में बेरियम सल्फेट के फॉर्म में बात करेंगे अब यहां पर जो सल्फर इंदे, है उसका उसका इंडेक्स कितना है वन है सो परसेंटेज ऑफ सल्फर हाँ अब ये जो सल्फर है वो कितना होता है बेटा 32 होता है और जो बेरियम सल्फेट आप निकालोगे बेरियम सल्फेट ये आपका कितना आएगा थर्टी थ्री लिखा हुआ बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट 233 ठीक है निकालो सल्फर 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 तो क्या होगा इंडेक्स ऑफ ऑफ मोलर मास टू थर्टी थ्री दिस इज परसेंटेज ऑफ सल्फर एक्चुअली अब सल्फर के बाद आते हैं फास्फोरस में सल्फर के बाद कहां पे आते हैं फास्फोरस में आते हैं सो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस तो फास्फोरस का परसेंटेज अब देखो फास्फोरस के लिए दो केस है बेटा फास्फोरस में दो केस है पहला पहले केस की बात करते हैं तो फास्फोरस फर्स्ट जो कन्वर्ट होता है वो हम बात करें यहां पर अमोनियम होल थ्राइस PO4.M12 12moo3 ये दो कंपाउंड इसका जो मोलर मास है वो है 1877 इसका जो है वो 31 अब फास्फोरस का इंडेक्स कितना है 1 सो यहां से निकालते हैं परसेंटेज ऑफ फास्फोरस बताओ बेटा इंडेक्स ऑफ फास्फोरस इज 1 मोलर मास ऑफ फास्फोरस 31 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड 1877 into w by w into 100 सो दैट दिस फार्मूला बिकम्स दिस बिकम्स 31 है? इस्टिमेट करने का क्या है, ये और करके हम इसको इस्टिमेट करते है ट्रिपल टू ठीक है अब यहां से अगर हम निकालें परसेंटेज ऑफ अब फॉस्फोरस का देखो बेटा इंडेक्स कितना टू है सो परसेंटेज ऑफ फॉसफोरस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपाउंड इज इंडेक्स ऑफ फॉसफोरस टू इंटू मोलर मास ऑफ फॉसफोरसर्टी वन

ठीक है ये हो गया आपका यहां तक ठीक है फर्स्ट हो गया अब बात आती है नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का जो हम इस्टिफेशन करते हैं बेटा तो वॉल्यूम के टर्म में करते हैं और बात आती है जब अमोनिया की तो नाइट्रोजन और अमोनिया की जब हम बात करते हैं तो ये हम इसको वॉल्यूम के टर्म में बात करते हैं और इसके लिए हम स्पेशल मेथड यूज करते हैं वो हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे तो अब हम नाइट्रोजन की बात चूंकि हम वॉल्यूम के फॉर्म में बात करते हैं तो अब मास वाला बात पार्टिकुलर पार्ट हम लोगों ने खत्म किया अभी तो हमने कहा था कि हम दो तरह के फॉर्म आपको बताएंगे अभी तो दो तरह के फॉर्म क्या तो एक था आपका परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मास की बात करें अब हम दूसरा जो बात करने जा रहे हैं दूसरी बात जो हम आप करने जा रहे हैं वो क्या है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और वॉल्यूम के टर्म्स में उन्हीं की बात करेंगे जो गैसेस फॉर्म में होंगे और वॉल्यूम हम कौन सा लेंगे एसटीपी पर लेंगे और किस में लेंगे एमएल में, में लेंगे ये ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम गैस की बात करेंगे और एस टी पे लेंगे अब गैस यहाँ पे कौन कौन से है? वो भी देख लेते हैं तो जैसे कि हम बात यहाँ पे सीओ एस टू ओ की कर रहे थे ये गैसेस फॉर्म में हो सकता है सीओ टो की बात कर रहे थे ये गैस फॉर्म में ये तो सॉलिड होता है ये 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 गैस है ये गैस है इन सब के लिए हम तो जो जो गैसेस हैं एक्चुअली में हम उनके लिए ही फॉर्मुला यूज करेंगे गैस गैस ये है और ये गैस है और ये गैस ठीक है फॉर्मुला लिख देता हूं सबसे पहले तो फॉर्मुला जो सबसे पहला होगा अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात कर रहा हूं है ना ल और लेट लेट वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड इज वी एम एल एट एस ये आपको गिवन है मतलब ये जो कंपाउंड्स जो गैसेस कंपाउंड्स हैं कौन कौन से गैसेस कंपाउंड है ये है ये है ये है, ये है ये और ये ये जो गैसेस कंपाउंड आप देख रहे हो चार कंपाउंड मान के चलते इनका वॉल्यूम एस पर वी दिया हुआ है वाटर का वॉल्यूम एस पर वी गिवन होगा CO2 का वॉल्यूम एस पर वी गिवन होगा नाइट्रोजन का वॉल्यूम एस पर वी गिवन होगा अमोनिया का वॉल्यूम एस पर वी गिवन होगा गिवेन होगा इन सबका वॉल्यूम वी गिवन है

फॉर्मूला क्या होगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सिंपल वही होगा इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मास ऑफ ऑर्गेनिकल डिवाइडेड बाय टू टू फोर डबल जीरो इंटू हंड्रेड दिस इज एट एस

ये आपको गिवन होगा जो भी गैसेस कंपाउंड यहां पर हैं उनका आपको वॉल्यूम एस टीपी पर गिवन होगा और अगर एस टीपी पर नहीं दिया हुआ है सुन लो इन पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं अगर एस टीपी पर नहीं दिया है तो आपको एस टीपी पर कन्वर्ट करना होगा ठीक है वो हम बात करते कर लेते हैं तो आप पहले फॉर्मला नोट कर लो एक बार अच्छे से फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से तेजी से नोट करो ओके बेटा तो स्टार्ट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फॉर्मला याद करो फिर से मेरी तरफ देखो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट देखो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन टू मास ऑफ एलिमेंट वहां भी कॉमन था तो आपको याद है इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इंटू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू इंटू नाउ क्या एड हुआ वहां पर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू था यहां पे आएगा वी बाय टू टू फोर जीरो वी बाय डबल टू फोर जीरो जीरो टू टू फोर जीरो जीरो इन हंड्रेड तो वहां पर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू था अब यहां पर कॉमन सब में क्या रहेगा यहाँ पे ये सब में कॉमन रहेगा बट यू कीप इन माइंड दिस वॉल्यूम मस्ट बीन एट एस टीपी अगर एस टीपी पे नहीं है तो हम एस टीपी पर लाएंगे यूजिंग द बस इतना ध्यान रखो ठीक है सो ये कॉमन रहेगा सब में याद करो सो वी इन एम एल बाय टू टू फोर जीरो इंटू हंड्रेड ये कॉमन रहेगा सारे फॉर्म में और एक चीज और भी कॉमन है क्या कॉमन है एक्चुअली में सब कॉमन ही है सबके लिए सेम ही फॉर्मला है जनरल फॉर्मला ही है ना ये So, क्या है इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इंटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट बाय कैपिटल डब्ल्यू इंटू वी इन एम एल एट एस टीपी बाय टू टू फोर जीरो इंटू हंड्रेड हटा रहा हूं इस फॉर्मूले को और देखियो जरा कैसे निकाल के दिखाता चला जा रहा हूं मैं आपको अब ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से ठीक है और देखो जरा सर चलो पहले सबसे पहले यस जो जो है कौन कौन से है हाइड्रोजन है ये गैस गैस के फॉर्म में जो वाले उनको मैं अंडरलाइन कर, कर दे, उनको मैं सर्कल कर दे रहा हूं और ये हाइड्रोजन ठीक है ठीके? चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बेटा है ना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या मतलब वॉल्यूम का डेटा गिवन है तब विन डेटा ऑफ वॉल्यूम इज गिवन विन वॉल्यूम डेटा इज गिवन तो हम फॉर्मला ये यूज करेंगे when volume volume data is given, volume मतलब ml में एट एस टीपी डेटा इज गिवेस्ट अगर volume दिया है but वो STP पे नहीं है तो उसको STP में convert कर लेना ठीक P1, P1 P2, P2 okay? है चल। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं फिर से ये हाइड्रोजन बेटा किसमें H2O में जाएगा लेफ्ट लेफ्ट इसका वॉल्यूम जो है वो वी एम एल है एट एस टीपी इसका वॉल्यूम मैंने कहा था ना वॉल्यूम और ये जो हाइड्रोजन है इसका मोलर मास कितना होता है वन स्टार्ट किया जाए चलो तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम डेटा का यूज करके कैसे करेंगे क्या था फॉर्मुला इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन है तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है टू इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है वन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डब्ल्यू इन ग्राम इंटू वी इन एम एल एट एस टीपी सीधे मैं लिख दू एम एल एम एल तो आपको पता है मैं पहले ही लिख दिया हूं फॉर्मुल में ही लिख दिया तो मैं सीधे सीधे V लिख रहा हूँ और वो भी एम एल में होगा ठीक है सो वी बाय कितना टू टू फोर डबल जीरो इन टू हंड्रेड सो दिसम्स टू वी बाय टू टू फोर डबल जीरो डब्ल्यू है ना और हंड्रेड से ये जो जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये टू ट्वेंटी फोर डब्ल्यू आ जाएगा टू ट्वेंटी फोर डब्ल्यू सो दिल बी वी बाय आप चेक कर सकते हो वन वन टू डब्ल्यू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वेन वॉल्यूम डेटा तो कभी कभी पता है बड़ा अच्छा है अब मान लो कि आपको कोई आइडिया नहीं है बेटा ऑर्गेनिक वोल्यूम ऑफ वाटर गैस इवॉल्व इज समल या कुछ उसका वैल्यू दे दिया एंड द मासिकब्लू ग्राम देन दिन द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज टू वी वाई हंड्रेड ट्वेल्व डब्ल्यू V by -0 -W, या फिर ऐसे करके चार ऑप्शन देगा आपका आंसर सही होगा जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा अब अब दूसरा मैंने कार्बन की बात की तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो फिर से कार्बन कार्बन का बेटा कितना ट्वेल्व और ये सी टू में गया गैस है ये अब यहां पर इसका जो हमने कहा कि फिर से वी वॉल्यूम एम एल दिया एट एस टी पे तो चलो फॉमुला क्या था परसेंटेज ऑफ कार्बन हम एलिमेंट का ही परसेंटेज निकाल रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट मेथड से निकाल रहे हैं ठीक है सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज बताओ इंडेक्स ऑफ कार्बन वन सो इंडेक्स ऑफ कार्बन इंटू मोलर कार्बन इज ट्वेल्व बाय कैपिटल डब्ल्यू ये ग्राम में है इंटू वी इन एम एल डिड बाई टू टू फोर डबल जीरो इंटू हंड्रेड इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल हुआ और ये आ गया आपका ट्वेल्वी बाय टू टू फोर डब्ल्यू फिर से बोल रहा हूँ okay? ये हो गया अब नाइट्रोजन की बात करते हैं भाई तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जब हम बात करें तो नाइट्रोजन में एक तो ड्यूमा है लुमा की बात कर लेते हैं पहले तो नाइट्रोजन जो है बेटा वो एन टू में कन्वर्ट होगा

टेज्रोजन यूजिंग डिमास मैथड एक्चुअली ओके एंड लास्ट लास्ट जो है वो हैलडोल्ड जेलडोल मैथडोल्स मैथड ये अलग ही मैथड है एक्चुअली में इसमें हम सीधे सीधे बोलेंगे कि जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होता है इसमें कोई सिंपल फॉर्म नहीं इसमें अलग फॉर्म है एंड दैट इज वन पॉइंट फोर बाई डब्ल्यू कैपिल डब्ल्यू इन ग्राम मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन टू मिली क्यूएलेंट ऑफ एसिड यूज फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोरिया दिस इज एंड ये जो एसिड आप यूज कर रहे हो अगर उसका नॉर्मेलिटी एन है उसका वॉल्यूम वी एम एल है तो हम इस फॉर्मले को लिख सकते हैं वन पॉइंट फोर तो जो मिलीक्वेलन का फॉर्मुला बनता है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी दैट इज एन इन वी इन एम एल तो हम इस मिलीक्वेलन की जगह पर क्या लिख सकते हैं एन वी बाय डब्ल्यू इन ग्राम दिस इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इस तरह से आपने देखा कि आपने हर चीज को हर एक एलिमेंट का परसेंटेज एनालिसिस कर लिया कि जब भाई मास गिवन है तो मास वाला फॉर्मला यूज कर लेंगे और जो वॉल्यूम गिवन है तो हम वॉल्यूम वाला पूरा है सब कुछ मैंने आपको बता दियान फाइन परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स वेदर द मासन और वेदर वॉल्यूम एट एस टीपी एंड इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन एट एस देन यूज

केमिकल टेस्ट के जितने भी बने, आ, आ, मैंने टॉपिक्स डाले हैं मैंने ट्वेंटी लेक्चर्स डाले हैं केमिकल टेस्ट एनपीओसी के एक्चुअली में टेस्ट वन टू थ्री ऐसे करके ट्वेंटी सारा डिटेल सब कुछ बताया हुआ है बट मेरा मन किया कि चलो क्यों ना एक पर्टिकुलर चीजों को समराइज करके एक पर्टिकुलर वीडियो डाला जाए जिससे कि आप सारे फॉर्मुले एटलीस्ट एक साथ आप उनको में कर सको तो आई थिंक आई होप कि बेटा आप इन सारे फॉर्मुले को आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा एग्जाम में आपको तुरंत याद आएगा है ना बस वो दो फॉर्म याद रखो और ये सुपर ट्रिक याद रखो फॉर्मुला खुद बना लोगे है ना और इस तरह से देखो चीजें आपके लिए मैंने बहुत ही ज्यादा आसान कर दी है ठीक है तो अब चीजें तो बहुत क्लियर हो गई आपके सामने है। अब मैं क्या बोलूं सारा चीज एवरीथिंग इज क्लियर एक्चुअली ठीक है तो अब अच्छे से करो सही से करो जितना मुझसे हो सकता है आपको हमेशा याद रहे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा फॉर्म, फॉर्म कर पाओ है ना सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम ओके एंड आज इतना ही रखते हैं सो थैंक यू थैंक यू वेरी होप बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा मस्त और जबरदस्त तरीके से और बेटा मैं एक चीज़ बोलूंगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना ठीक है साथ साथ नोट्स बनाते जाओ उनकी समरी बनाते जाओ और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा एक अच्छा कमांड आएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे थैंक यू सो मच और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में टिल देन थैंक यू सो मच बेटा गॉड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल खूब पढ़ो खूब लिखो खूब आगे बढ़ो वाई नॉट डी